चैप्टर सिक्स चैप्टर है ऑलमोस्ट जो कवर करने हैं इनमें कोई हार्ड कोर कॉन्सेप्ट नहीं है ये सिंपल चैप्टर्स हैं जहां पे आप रिपिटेशन देखोगे इन थिंकर्स के नाम जो है वो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होंगे तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस के पहले आप थिंकर्स की जो आइडियोलॉजी है वो अच्छे से समझ लें जो मेरी प्ले में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा इस बुक पे जितने भी थिंकर्स दिए थे वर्ड टू वर्ड फाइन तो आज का हम देखते हैं मीट सेल्फ एंड आइडेंटिटी देखो मीड ने क्या किया था इन्होंने माइक्रो एनालिसिस दिया था तो इन्होंने इंडिविजुअल को माइक्रो पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की थी तो इंडिविजुअल का सेल्फ कैसे डेवलप होता है उसके माइंड में क्या चलता है मेंटल प्रोसेस की बातें फाइन तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो इनका मेन फोकस रहा है शिकागो स्कूल के साथ इनका नाम आप सुनोगे और इन्होंने ह्यूमन इंटरेक्शन की एक्सप्लेन्स हमें दी एक यूनिक एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि ऐसी ऐसी बातें इन्होंने की उस पर ध्यान दिया जहाँ अभी तक वो जिनको चीजों को यूजुअली इग्नोर किया जाता था क्योंकि माइक्रो पर्सपेक्टिव का टाइम माइक्रो पर्सपेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देते थे माइक्रो पर्सपेक्टिव ठीक है तो इन्होंने माइक्रो में भी ऐसी चीजें टच की जो बाकी थिंकर्स कहीं ना कहीं बाकी थिंकर्स से रह गया था इन्होंने रिजेक्ट किया ह्यूमन ऑफ बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बींग देखो बिहेवियरिस्टिक व्यू क्या कहता है ये कहता है कि ह्यूमन बींगस जो है वो अनकॉन्शियसली रेस्पॉन्ड करते हैं टू एक्सटर्नल स्ट्यूमिलाई ठीक है अनकॉन्शसली रेस्पॉन्ड करना एक्सटर्नल स्ट्यूमुलई मीन्स बाहर से कुछ हुआ कोई एक स्टूमिलाई मिला आपको स्ट्यूमुलस आपको मिला फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे देख रहे हो कोई चीख रहा है अगर आपसे कहीं आप कहीं आवाज़ सुनोगे तो आपके दिमाग में कुछ पहले एक थाट प्रोसेस आएगा ना कि अच्छा ठीक है आवाज़ कहाँ से आ रही है तो मैं नीचे जाके देख के आता हूँ कि आप आवाज़ सुनोगे और खिड़की से कूदोगे उसकी तरफ जाने के लिए ऐसा नहीं होगा ना तो इन्होंने कहा ह्यूमन बींग्स जो है वो ब्लाइंडली और अनकॉन्शियसली रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं एक्सटर्नल स्ट्यूमलाई को क्योंकि लोगों में कॉन्शियसनेस है सेल्फ है एंड दैट इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशोलॉजिस्ट टू स्टडी दिस आस्पेक्ट ऑफ रियालिटी ये इनका कहना था इस वजह से इन्होंने क्योंकि अनकॉन्शियसली इंसान रिएक्ट करेगा एक्सटर्नल स्ट्यूमुलाई को उस चीज को इन्होंने रिजेक्ट किया फाइन और उस व्यू को क्या बोला जाता है बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बींगस वो किससे इन्फ्लुएंस थे साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म से एंड इंक्लूडेड मेनी ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स इन हिस्स वर्क जो आप देखोगे कि इन्होंने काइंड ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल थियरी जो है वो ऑफर की थी जहाँ पे माइंड की बातें भी हो रही हैं लेकिन सोसाइटी में रहते हुए सोशल प्रोसेसिस को सोसाइटी की जो चीजें हैं उसको ही इन्होंने प्रेसिडेंस दी थी ओवर माइंड लेकिन माइंड कैसे रिलेटेड है इन चीजों से वो इन्होंने अपनी थियोरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया था He offers sociology a social psychological theory that stood in stark contrast to the prevailing theories offered by majority of European theorists. Fine. तो इनका नाम आप कहाँ से किसके साथ भी रिलेट करते हो सिंबॉलिक interactionism के साथ अगर आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी symbolic इंटरेक्शनिज्म की उस पर क्लिक करें और वो वीडियो इन डिटेल वहाँ पे कवर किया है मैंने स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से सेल्फ एंड आइडेंटिटी देखो जो मीट के जो इंपॉर्टेंट काम है चाहे वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो या कोई भी हो जनरली आपको उसके रूट्स दो चीज़ों से मिलेंगे इंटेलेक्चुअल रूट्स एक है फिलोसफी ऑफ प्रेगमेटिज्म सेकंड इज योर साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म देखो फिलोसफी ऑफ प्रेगमेटिज्म क्या कहता है जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसका सोशल नेचर कैसा है ह्यूमन इंटरेक्शन का फाइन वो हम कैसे करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शंस कैसे आ, होती हैं और उनमें रोल सिंबल्स का क्या रोल है लैंग्वेज का क्या रोल है ठीक है ये सारी बातें फिलोसफी और प्रेगमेटिज्म से कहीं कही ना कहीं इमर्ज होती हैं एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म बिहेवियरिज्म सिंपल एक्सटर्नल स्टिमुलाय को रिएक्ट करना वो आपका बिहेवियर डिपेक्ट करेगा एंड वहाँ पे साइकोलॉजी का क्या रोल है आपके दिमाग का क्या रोल है माइंड कैसे डेवलप करता है और कैसे इम्पैक्ट करता है आपके रिएक्शन को जो भी आप रिएक्ट करते हो चीजों पे फाइन ये दो चीजों से बेसिकली इनकी जो स्टडी है आप उसका बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल रूट्स यहाँ लाई करता है उसका जो आइडिया है कॉन्प्ट ऑफ माइंड वो इसमें दिया गया है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट वर्क है ये जो जी एस मेर से रिलेटेड है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप नोट साथ में कर सकते हैं जो कहाँ से कंपाइल हुआ हुआ है उनके एक काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट से जिनका नाम था हर्बर्ट ब्लमर ठीक है ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं सिम्बॉलिक इंटरनेक्शनज्म में ये सारे नाम आई I मीन mean, सुने हुए हैं हिज मेजर थियोटिकल वर्क जो है इन द फील्ड ऑफ सिम्बालिक इंटरेक्शन इज हज आइडिया ऑफ सेल्फ जो हम अभी देखेंगे आगे हमें सेल्फ ही पढ़ना है सारा देखो मीड्स व्यू में जो ट्रेडिशनल सोशल साइकोलॉजी है बिगेन विद द साइकोलॉजी ऑफ़ द इंडिविजुअल एक्सप्लेन करने के लिए सोशल एक्सपीरियंस को लेकिन मीड का क्या कहना था पहले कहाँ से स्टार्ट हुई कि इंडिविजुअुअल की साइकोलॉजी समझो वो आपको बताएगा सोशल एक्सपीरियंसिस के बारे में लेकिन मीड़ का थोड़ा उल्टा था इस बारे में मानना वो कहते थे मीड़ ने प्रायोरिटी दी थी सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में सोशल एक्सपीरियंस के लिए ठीक है दैट मींस इन्होंने कहीं ना कहीं सोशल प्रोसेस या सोशल वर्ल्ड या सोसाइटी उसको प्रेसिडेंस दी थी ओवर इंडिविजुअल माइंड इंडिविजुअल माइंड ये चीजें माइंड डेवलप नहीं करती हैं फाइन ये चीजें डेवलप हुई है पहले ये चीज आती है और अकॉर्डिंगली आपका जो माइंड है वो बिहेव करता है अकॉर्डिंगली आपका माइंड जो है वो डेवलप होता जाता है अ थिंकिंग सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल इज लॉजिकली लॉजिकली इम्पॉसिबल इन मीट्स थियरी विदाउट अ प्रायर सोशल ग्रुप दैट इज जो सोशल ग्रुप है वो पहले आता है विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस मेंटल स्टेट्स ठीक है कोई एक सोशल ग्रुप होना चाहिए देखो इसके एग्जाम्पल आपको ऐसे भी क्लियर हो जाएगी सोसाइटी होती है या कोई भी सोशल ग्रुप है या कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो शेप करती है आपका बिहेवियर ये यहाँ पे अगर आ, इस टर्म्स में देखें सेल्फ कॉन्शियस मेंटल स्टेट हर फैमिली से हर फैमिली बैकग्राउंड से एक अलग इंडिविजुअल निकलता है दैट मींस पहले एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है अकॉर्डिंगली आपका माइंड डेवलप होता है हाई चांसेस हैं कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं क्रिमिनल अगर घर में सारे ही क्रिमिनल्स हैं तो देयर आर चांसेस के आगे के जो आगे की जनरेशन आएंगी वो भी क्राइम की तरफ अलाइंट होंगी क्योंकि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट उनको मिलेगा उनका मेंटल स्टेट उसी अकॉर्डिंग डेवलप होगा ये इनका कहने का

वेव करो या थम्स अप करो या विक्ट्री वाला साइन दिखाओ या बस कोई फेशियल एक्सप्रेशन बनाओ वो सारे जेस्टर्स हुए ये फिजिकल भी हो सकता है या वोकल भी हो सकता है फाइन वोट डिस्टिंगज ह्यूमन इज इर एबिलिटी टू एम्प्लॉय सिग्निफिकेंट जेस्टर्स और दोज दैट रिक्वायर थॉट ऑन द पार्ट ऑफ एक्टर बिफोर एन एक्शन अब देखो ये जो जेस्टर्स हैं ये बनते हैं सिग्निफिकेंट सिंबल सिग्निफिकेंट सिंबल इज अ काइंड ऑफ जेस्टर वो क्या होता है विच ओनली ह्यूमन्स कैन मेक अब देखो एनिमल्स भी जेस्टर्स दिखाते हैं लेकिन एनिमल्स उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते एक सिग्निफिकेंट सिंबल में या सिग्निफिकेंट जेस्टर में सिग्निफिकेंट सिंबल होता है जो एलिसिट करता है response सामने वाले का भी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको वो एक पुश वाला जेस्टर दिखाऊंगी तो आपका भी कोई रेस्पॉन्स आएगा आप भी पीछे हट जाओगे तो ये एलिसिट करेगा रेस्पॉन्स दूसरे इंडिविजुअल में भी इसको हम सिग्निफिकेंट सिंबल बोलते हैं ठीक है यही हुआ और दो दैट रिक्वायर थॉट ऑन पार्ट ऑफ एक्ट बिफोर अ रिएक्शन अगर मैंने आपने किसी को थप्पड़ का जेस्चर दिखाया तो वो उसके दिमाग में आएगा ना या तो वापस थप्पड़ मारेगा वो जेस्चर दिखाएगा या तो पीछे हट जाएगा दैट मीन्स कोई एलिसिट किया रिस्पॉन्स कोई एक थिंकिंग डेवलप हो गई सामने वाले में ठीक है तो ये इन्होंने कहा था जेस्टर के बारे में और जो वोकल जेस्चर्स हैं वो काफी उसको इन्होंने काफी सिग्निफिकेंट समझा था कम्युनिकेशन में और सारे दो ऑल दो सारे वोकल जेस्टर्स सिग्निफिकेंट नहीं होते अब वोकल जेस्चर में जो आप बोल के करते हो फॉर एग्जांपल योर लैंग्वेज ये एक वोकल जेस्चर है लैंग्वेज को ने काफी इंपॉर्टेंस दी थी अपनी थियोरी में जो हम अभी देखेंगे पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा है सारे वोकल जेस्टर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल है ग्रंट ग्रंट होता है जैसे आप uh, uh, कोई डिसअप्रूव करते हो किसी की बात को तो आप एक रिएक्शन नहीं देते हो वाला बोलते हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी दिखाते हो तो ऐसे सारे वोकल जेस्टर्स सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं ठीक है हाउ एवर इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ वोकल जेस्टर्स स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन मेकिंग पॉसिबल द डिस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ लैंग्वेज को इन्होंने काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दी देखो लैंग्वेज हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है माइंड की डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहां पे माइंड आए वहां पे थिंकिंग आई अब आपको कुछ चीज सोचनी है फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कुछ चल रहा है आप वो चीज कैसे सोचोगे जब तक आपको लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई होगी आपकी आपके दिमाग में होगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल कौन सा करियर चूज करना है तब अपने साथ बातें करते हो कि मुझे आई ऑफिसर बनना है मुझे प्रोफेसर बनना है मुझे इस फील्ड में जाना है उसके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना आई ऑफिसर बनूंगा या उस फील्ड में जाऊंगा दैट मींस लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो लैंग्वेज के बिना आपके प्रोसेस ही नहीं आगे चल सकता है ये इनके कहने का मतलब था सिग्निफिकेंट सिंपल वो जेस्टर है विच ओनली ह्यूमन्स कैन मेक ये मैंने आपको बताया क्या होता है उसकी इन्हें एग्जाम्पल दी है फाइन यहाँ पे फिजिकल जेस्टर्स कैन ऑल्सो भी सिग्निफिकेंट सिंपल्स लेकिन दे आर नॉट आइडियली स्यूटेड टू बी सिग्निफिकेंट सिम्पल्स बिकॉज पीपल कैन नॉट सी और हेयर देयर ओन फिजिकल जेस्टर्स ठीक है उतने ज्यादा स्यूट नहीं होते हैं फिजिकल जेस्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है जो वोकल जेस्टर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइन द सेट ऑफ वोकल जेस्टर्स मोस्ट लाइकली टू बिकम सिग्निफिकेंट सिंबल इज अ लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल से ग्रांट हो गया या सिंपल कोई बैबलिंग्स हो गई इसे बच्चे बोलते रहते हैं कुछ बिना किसी मतलब के वो जरूरी नहीं वो हर सिग्निफिकेंट uh, ये जो हर वोकल जेस्चर जो है जो एक सिग्निफिकेंट सिंबल बने जो अब वोकल जेस्टर्स हमारे सिग्निफिकेंट सिंबल्स बन जाते हैं उनको हम लैंग्वेज बोलते हैं ठीक अब यहाँ पे देखते हैं ये यही सारी बातें यहाँ पे भी इन्हने एक्सप्लेन की हुई है इन ए कॉन्वर्जेशन ऑफ जेस्टर्स ओनली द जेस्टर्स आर कम्युनिकेटेड एंड नॉट द मीनिंग इसीलिए लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है आपने किसी को जेस्टर दिखाया फॉर एग्जाम्पल आपने गुस्से वाला दिया तो उसको आपको गुस्सा है क्यों है क्या चल रहा है दिमाग में वो सारी बातें क्लियर नहीं होंगी जब तक उसके साथ आप उसका मीनिंग नहीं समझो और मीनिंग समझने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन करना जरूरी है आपके लिए लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है फाइन एग्जाम्पल में इन कम्युनिकेटिंग आर डिस्प्लेजर टू अदर्स एन एंग्री वर्बल रिब्यूक फार बेटर देन आर कॉन्टोटेड बॉडी लैंग्वेज आप किसी बॉडी किसी को बॉडी लैंग्वेज से डिसअप्रूवल दिखाओ उसे बेटर है आप बोलो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है फाइन तो ये हमारा कवर हो गया जेस्टर क्या होते हैं सिग्निफिकेंट सिम्बल्स के बारे में हमने पढ़ लिया और लैंग्वेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया ठीक है मीट की थ्योरी में सिग्निफिकेंट सिंबल और एक अनादर क्रूशल परफॉर्म करते हैं फंक्शन दे मेक माइंड मेंटल प्रोसेस एंड सो ऑन पॉसिबल इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू सिग्निफिकेंट सिंबल्स स्पेशली स्पेशली लैंग्वेज जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ह्यूमन थिंकिंग पॉसिबल होती है दैट मीनस माइंड मेंटल प्रोसेस के लिए काफी क्रूशल है लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हो आप खुद uh, सोच सकते हो अपने साथ कन्वर्जेशन कर सकते हो उन्होंने कहा थिंकिंग जो है इट इज सिंपली एंड इंटरनालाइज और इंप्लिस कॉन्वर्जेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद हिमसेल्फ By means of such gestures, or it is a conversation between me and I, I and me का इनका कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे लास्ट टॉपिक हमें वही पढ़ना है Mind is deemed by uh, me as a process and not as a thing, ठीक है Mind जो है ये सिर्फ एक चीज नहीं है आपके दिमाग में ब्रेन फिट कर दिया ये mind है ये एक प्रोसेस है ये एक कॉन्वर इनर कॉन्वर्जेशन है इट इज ए इनर कॉन्वर्जेशन विद वंस ओन सेल्फ ठीक है उसको हम माइंड बोलते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी कि सोशल प्रोसेस मैंने पहले भी कहा सोशल प्रोसेस प्रसीड द माइंड ये नहीं है कि माइंड का प्रोडक्ट है ये सोशल प्रोसेस नहीं माइंड डेवलप होता है एज ह्यूमन बींग्स एंगेज आर सेल्स इन सोशल प्रोसेस इसकी सिंपल एग्जाम्पल अगर आप और एक सुनना चाहो कि जब एक बच्चा पैदा होता है एक इन्फेंट होता है न्यू बॉर्न उसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ होता है हम ऐसी बातें हमेशा कहते हैं ना कि बच्चों में तो अभी दिमाग नहीं होता वो ये बात कर सकते हैं लेकिन आप तो खैर बड़े थे आपने ये क्यों कहा क्योंकि बच्चों का माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि अभी वो सोशल प्रोसेस में या सिंपल टर्म्स में सोशल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है अभी माइंड कब डेवलप होगा आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो पार्ट ऑफ सोसाइटी ज्यादा ज्यादा बनता जाएगा इंटरेक्ट करता जाएगा जेस्टर्स से सिग्निफिकेंट सिंबल लैंग्वेज पे आएगा तो उसका माइंड अकॉर्डिंगली डेवलप होता रहेगा ठीक है अब जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है सेल्फ उसके बाद हमें पढ़ना है आई एंड मी और खत्म हो जाएगा आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड़ ठीक है देखो सेल्फ कहा था मीड ने एक एबिलिटी है टू बी बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वी कम बैक टू द स्टेटमेंट ये आपको समझ में आएगी पहले मैं आपको बाकी बातें बताती हूँ अब सेल्फ क्या होता है सेल्फ मीन्स आप खुद ही आपकी फाइन आप हो सेल्फ और इस सेल्फ को समझने के लिए इन्होंने हमें काफी इंपॉर्टेंट फिनना दिया था रिफ्लेक्सिविटी का सेल्फ जो है ये जो uh, रिफ्लेक्सिविटी है ये हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है रिफ्लेक्सिविटी होता है खुद को दूसरे के नजरिए से देखना फाइन इट इज द एबिलिटी टू पुट आर एक्ट एज दे एक्ट दैट मीनस आपको तो एक तो खुद पता है कि आप कैसे हो? आप खुद को सब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे हो अब खुद को एज एन ऑब्जेक्ट समझना मतलब रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू खुद को दूसरे की जगह पे रखना और फिर खुद को समझना फाइन उसको हम सेल्फ बोलते हैं Uh, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू अगर दो बंदों की लड़ाई चल रही है आपको हमेशा अगर आप सिर्फ सब्जेक्टिवली इस चीज को ऑब्जर्व करोगे आपको अपना आप सही लगेगा लेकिन आपको खुद को एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको खुद को दूसरे के नजरिए से समझना है दैट मीन सब्जेक्टिवली भी आप खुद को समझ रहे हो और एज एन ऑब्जेक्ट भी आप खुद को समझ रहे हो खुद को खुद से बाहर रख के समझो तभी आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने किसी से लड़ाई की है उसमें दूसरे बंदे को भी कितना बुरा लगा है ठीक है इसको इनने कहा था ये स्टेटमेंट पेक्युलर एबिलिटी टू बी बोथ सब्जेक्ट एंड दी ऑब्जेक्ट मीर ने कहा था लोअर एनिमल्स डो नॉट हैव सेल्स नॉट डू ह्यूमन इन्फेंट्स एट बर्थ क्योंकि सेल्फ भी जो है ये पहले आपका सोशल प्रोसेस कम्युनिकेशन वगैरह वहां से डेवलप होता है सेल्फ राइज विद डेवलपमेंट एंड थ्रू सोशल एक्टिविटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स हैंस इट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ सोशल प्रोसेस प्रोसेसर इंटरेक्शन दैट वी सब्जेक्ट आर सेल्स टू मी ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ सेल्फ राइजिंग इन एबसेंस ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेज तो सोशल तो एक्सपीरियंसेस में ही सेल्फ डेवलप होता है क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं इसीलिए सबका सेल्फ भी अलग होता है कोई इंट्रोवर्ट बनता है कोई एक्सट्रोवर्ट बनता है कोई एम्बीवर्ट होता है ठीक है ये सारा किससे रिलेटेड है अपने अपने सोशल एक्सपीरियंसेस uh, से रिलेटेड है तो ये भी आप बोल सकते हो कि सेल्फ भी इन चीजों से आगे इन चीजों के बाद डेवलप होता है हाव वंस अ सेल्फ हैज डेवलप इट इज पॉसिबल फॉर इट टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विदाउट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट एक बार ही डेवलप हो गया सेल्फ ठीक है फिर अगर वो एक्सपीरियंस ना भी रहे वो सेल्फ उसके साथ चलता है जैसे अभी भी हम बोलते हैं ना अभी अगर कोई गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं वो उसके बचपन की चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं उसका चाइल्डहुड हुड ट्रामा देखते हैं उसके तब के सोशल एक, एक्सपीरियंसिस देखते हैं क्योंकि वो तो ऑल दो सोशल कॉन्टैक्ट उन एक्सपीरियंस का खत्म हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो अपने आगे की फर्दर लाइफ में यही इस सेंटेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिविटी मैंने आपको बोला खुद को दूसरे के नजरिए से समझना अप्रोच इन मे सोशोलॉजिस्ट ट्राइज टू टेक एन आउटसाइडर्स ऑफ हिज और हर ओन वर्क ठीक है यही यहाँ पे सारी चीजें एक ही बार लाइन बार बार अलग अलग, अलग एंगल से लिखी हुई है यहाँ पे एक बार खुद रीड कर लेना जो सेल्फ इट इज डायलेक्टिकली रिलेटेड टू माइंड दैट इज ऑन वन हैंड द बॉडी इज नॉट अ सेल्फ एंड बिकम्स अ सेल्फ ओनली वन अ माइंड इज डेवलप्ड ठीक है ऑन द अदर हैंड द सेल्फ अलॉन्ग विद इट्स रिफ्लेक्सिवनेस इज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ माइंड However, even इवन दो वी मे थिंक ऑफ इट a mental मेंटल प्रोसेस द सेल्फ इज social सोशल प्रोसेस ठीक है ये आपको क्लियर हो गया dialectic कैसे है एक तो आप बोलते हो कि बॉडी सेल्फ नहीं बनती है तब बनती है जब माइंड डेवलप होता है बॉडी सेल्फ बनती है जब माइंड इंसान का डेवलप होता है क्योंकि माइंड डेवलप हो गया तो ही वो ये चीजें सोचेगा खुद को दूसरे की जगह रखना रख के समझना उसके लिए माइंड की डेवलपमेंट जरूरी है ये एक वन पॉइंट है सेकंड पॉइंट है इसका सेल्फ में किसे रिलेट किया सेल्फ को रिफ्लेक्सिवनेस से और दैट मींस ये जो चीज रिफ्लेक्सिव होना इट इज एसेंशियल फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ माइंड ठीक है तो इसीलिए इनको बोला जाता है एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है सेल्फ और माइंड में हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि सेल्फ और माइंड का रिलेशन बताओ तो वहां पे आप ये सारी सा... इसीलिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो है मैं स्किप नहीं करती आपको लाइन बाय लाइन का मतलब समझाती हूँ छोटे पैराग्राफ्स जो ये है दे ऑफन कैरी डीप मीनिंग्स अगर, अगर मैंने कोई लाइन जिसमें स्किप की है वो वही लाइन होंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई है टॉपिक में और वो सिंपल है टू रीड ठीक है जिसमें अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो में बताती रहती हूँ जो जनरल मैकेनिज्म है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्सिविलिटी रिफ्लेक्सिविटी सॉरी और द एबिलिटी टू पुट आवर सेल्फ अनकॉन्शियसली इन टू अदर्स प्लेस एंड टू एक्ट एज दे एक्ट ठीक है वो आपको डेवलप करता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ

ये हो गया आपका अब मीर ने कहा था सेल्फ जो है वो डायनेमिक है क्योंकि सेल्फ काफी काम करता है पहले इसमें कुछ कैपेबिलिटीज हैं ये कैपेबिलिटी करता है टू रीड द सेल्फ ऑफ अदर्स जब हमें सेल्फ का पूरा पता चल गया है तो हम दूसरे का सेल्फ भी अच्छे से रीड कर सकेंगे खुद का सेल्फ दूसरे का सेल्फ ये कैपेबिलिटी देता है इंटरनल इंटरेक्शन की बिटवीन आई एंड मी आई एंड मी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ये कैपेबिलिटी देता है टू कम्युनिकेट विद द माइंड ठीक है ये यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ ऑफ माइंड में मैंने बोला था पहले ही हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था बॉडी जो है ये सेल्फ नहीं है ये सेल्फ बनती है जब माइंड डेवलप होता है और सेल्फ में जो रिफ्लेक्सिविटी है वो हेल्प करती है माइंड के डेवलप होने में ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई टू कम्युनिकेट विद माइंड उसकी एबिलिटी अब मेर ने कहा था सेल्फ जो है ऑफ एन इंडिविजुअली एक प्रोसेस है नॉट ए थिंग लाइक माइंड एक बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है इंडिविजुअल इज नॉट बॉर्न विद अ सेल्फ अब ये सेल्फ का ऑरिजिन हम अभी तक सेल्फ सेल्फ कर रहे हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं खुद को ऑब्जर्व करना समझना वो सारी चीजें हमने बोली अब ये सेल्फ ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ इसका जेनेसिस क्या है वो हम यहाँ देखेंगे उसके लिए इन्होंने दो स्टेजेस दी सेल्फ जो है वो दो स्टेजेस में डेवलप होता है ठीक है एक बार ही रिकैप कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बीच में सेल्फ को इन्होंने कहा था एबिलिटी टू बी बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ठीक है और जो सेल्फ है ये भी प्री सपोज करता है सोशल प्रोसेस कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन दैट मीन्स वो सारी चीज़ें पहले आती हैं बाद में सेल्फ आता है सेल्फ जो है वो ह्यूमन इन के साथ बर्थ में नहीं होता वो सोशल प्रोसेस में डेवलप होता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेल्फ बनता है इसका और माइंड का डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है और सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए रिफ्लेक्सिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की है उसके बाद जेनेसिस क्या है सेल्फ जो है वो डायनेमिक है ठीक है Uh, उसके बाद जेनेसिस कहां से हुआ सेल्फ का उसके लिए इन्होंने डेवलपमेंट ये ऑरिजिन कहां से हुआ सेल्फ कैसे ऑरिजिनेट हुई इन्होंने दो स्टेजेस बताई इसकी पहली प्ले स्टेज और दूसरी गेम स्टेज देखो प्ले स्टेज होता है ये होता है जब आप छोटे बच्चे होते हो ठीक है <coughs> यहां पे आप रिफ्लेक्सिविटी देखना खुद को दूसरे के नजरिए से देखना वो चीज आपको बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए ठीक है रिफ्लेक्सिविटी वही आगे सब हम उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं फर्दर प्ले स्टेज में क्या करते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं आपने देखा होगा कोई छोटी बच्ची होगी या छोटा कोई बेटा होगा वो इमिटेट करते हैं अपने जो उनके पर्टिकुलर अदर्स या डिस्क्रीट अदर्स उनको बोल रहे हैं जिससे अपने फादर मदर जो बिल्कुल उनकी क्लोज रिलेशनशिप है मामा को इमिटेट करते हुए देखा होगा आपने बचपन में छोटी लड़कियों को या आपने भी किया होगा या बॉयज़ को या लड़कियां फादर्स को इमिटेट करती हैं कि वो कैसे बात करते हैं छोटी लड़कियाँ दुपट्टे के बाल बना के और वो दुपट्टा जैसे मामा लेती है वो किचन में अगर मामा रोटियां बेल रही है तो वो भी वैसा कुछ इमिटेट करना शुरू हो जाती हैं तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है एक लिमिटेड सेल्फ डेवलप हो रहा है क्योंकि आप सिर्फ आपके जो लिमिटेड लोग हैं डिस्क्रीट अदर्स इनको बोला जाता है पटिया पर्टिकुलर अदर्स आप उनको इमिटेट कर रहे हो दैट मीन आप खुद को इवेलुएट कर रहे हो उनके नजरिए से ठीक है खुद को उनकी जगह पे रख के आप इवेल्युएट खुद को इमिट उनको इमिटेट कर रहे हो अभी पूरा सेल्फ तो डेवलप नहीं हुआ है लेकिन एक लिमिटेड सेल्फ के डेवलप होने की शुरुआत हुई है वही यह यहां पे लिखा है ये ज्यूरिंग दिस स्टेज दैट चिल्ड्रन लर्न टू टेक द एटीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर अदर्स और डिस्क्रीट अदर्स टू दमेल्स ऑल द लोअर एनिमल्स आल्सो प्ले दे ओनली ऑल्सो प्ले ओनली ह्यूमन बींगस प्ले बाय बींग समन एल्स आप क्या बनते हो आप छोटे मम्मा पापा को यूजली कॉपी करते हो ये हमने रियालिटी में देखा हुआ है हमने भी किया होगा आगे हम अपने बच्चों को भी करते हुए देखेंगे या अपने छोटे कजनस भाई बहन भी ये सारी चीजें करते हैं चिल्ड्रन प्ले वेरियस रोल्स इन विच दे लर्न टू टेक द रोल ऑफ अदर्स हुर अराउंड दम एज अ रिजल्ट ऑफ सच प्ले द चिल्ड्रन लर्न टू बिकम बोथ सब्जेक्ट एंड दब्जेक्ट एंड बिगिन टू एंड बिगेन्स टू बिकम एबल टू बिल्ड अ सेल्फ आिस्ता आहिस्ता सेल्फ बन रहा है क्योंकि बेसिकली सेल्फ की डेफिनेशन क्या है सब्जेक्टली सब्जेक्ट subject और ऑब्जेक्ट दोनों जब आप खुद को इवेलुएट करते हो एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट खुद को बाहर रख के ऑब्जर्व करते हो ठीक है तो उसकी शुरुआत यहां से होती है आपके प्ले स्टेज से लेकिन एक लिमिटेड सेल्फ है क्योंकि आप सिर्फ इसमें किसको रोल स्किन के लेते हो डिस्टिंक्ट या आपके सेपरेट या डिस्क्रीट या पर्टिकुलर अदर्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल मामा पापा अब गेम स्टेज में दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जेनरलाइज अदर्स का जेनरलाइज अदर्स हो गए बाकी आपकी सारी सोसाइटी आपके पेयर ग्रुप वगैरह सारे वो जनरलाइज अदर्स में आ गए

आप जब आप हर किसी का रोल लेने लगते हो आप, आप खुद को दूसरों के मतलब पूरी सोसाइटी के नजरिए से देखना शुरू हो जाते हो तो यहाँ पे आपके एक्चुअल सेल्फ की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है अब आप, आप खुद को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जर्व कर रहे हो हर किसी के नजरिए से तो अब आप, आप सोसाइटी का एक पार्ट बन रहे हो ठीक है आपकी अल्टीमेट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन हो रही है आप एम्बाइब कर पाओगे सारे वैल्यूज क्योंकि अब आप आपको पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में एज ए रिजल्ट प्ले स्टेज में बच्चे से डिस्क्रीट रोल्स लेते हैं इसीलिए मीड ने कहा था उनकी डेफिनेट पर्सनैलिटीज नहीं होती हैं हाईअर गेम स्टेज में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिगे एंड अ डेफिनेट पर्सनैलिटी स्टार्ट टू इमर्ज इमर्जिल्ड्रेन है दे लर्न टू बी एबल टू फंक्शन इन ऑर्गेनाइज ग्रुप और मोस्ट इंपॉर्टेंट दे डिटर्मिन वट दे विल डू विद इन स्पेसिफिक ग्रुप इन अदर वर्स टू हेव ए सेल्फ वन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी एंड भी डायरेक्टेड बाई द एटीट्यूड कॉमन टू द कम्युनिटी अब ये सारी चीजें आपके लिए ऑब्जर्व करना और इवेलुएट करना ईजी हो जाएंगी क्योंकि अब आप खुद को किन के नजरिए से देख रहे हो जनरलाइज अदर्स के नजरिए से ठीक है वाई प्ले रिक्वायर्स ओनली पीसीज ऑफ सेल्स द गेम रिक्वायर्स द कोहरेंट सेल्फ फाइन अंडरस्टूड थ्रू दीज टू कॉन्सेप्ट प्ले एंड गेम मीट ने इलाबोरेट किया प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरक्शन विच लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनलाइज अदर्स का ये सेंट्रल कॉन्प्ट है इन द मीट थियोरी ऑफ सेल्फ जनरालाइज अदर जो है एटीट्यूड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी है द एबिलिटी टू टेक द रोल ऑफ जेनलाइज अदर एसेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के लिए ये क्रूशल है इवेल्युएट करना खुद को फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू जेनरालाइज अदर जब आप ये कर पाओगे आप गलत होने के आपके चांसेस कम है आपको पता है कि दूसरा मुझे किस नजरिए से देख रहा है मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए ये सारी थिंकिंग आपके सेल्फ से रिलेटेड है और ये कहाँ पे डेवलप होती है जब आप खुद को जब आप जनरलाइज अदर का जो रोल है वो लेना शुरू करते हो टेकिंग द रोल ऑफ जनरलाइज अदर रादर देन डिस्क्रीट अदर्स और पर्टिकुलर अदर्स ये अलाउ करता है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिविटी ठीक है नॉट ओनली टेकिंग द रोल ऑफ जनरलाइज अदर्स इज असेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के लिए लेकिन क्रूशल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गनाइज ग्रुप एक्टिविटीज के लिए क्योंकि इसमें अब आप रूल्स फॉलो अगर आप कोई गेम खेल रहे हो ठीक है अब आप बड़े हो गए आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो आप रूल्स प्रॉपरली फॉलो करोगे क्योंकि अब आप जनरलाइज अदर का रोल ले रहे हो आपको पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है मुझे क्या चीजें फॉलो करनी है जब आप प्ले स्टेज में हो आप क्या करोगे आप अपने रूल्स बनाओगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जनरल रूल्स क्या है गेम के लेकिन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो आप अब आप कौन से रूल्स फॉलो करोगे जो क्रिकेट के एक्चुअल रूल्स हैं क्योंकि अब आपका सेल्फ जो है वो डेवलप हो रहा है और आप खुद को जनरलाइज अदर के हिसाब से इवैल्यूएट कर रहे हो जनरलाइज अदर आल्सो रिप्रेजेंट्स द मीर्स इंक्लिनेशन टू गिव प्रायोरिटी टू द प्री एग्जिस्टिंग सोशल वर्ल्ड क्योंकि आप खुद को किसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट एडजस्ट कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग सोशल वर्ल्ड है आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक है दैट मीन्स इंपॉर्टेंस किसको है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एज इट इज थ्रू जनरलाइज अदर्स द ग्रुप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स ठीक है अब इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ जो है अलाउज इंडिविजुअल टू बी मोर एफिशिएंट मेंबर ऑफ द लार्जर सोसाइटी बिकॉज ऑफ द सेल्फ पीपल आर मोर लाइकली टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम इन अ गिवन सिचुएशन यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई तो आप एक प्रॉपर सोसाइटी में रहने लायक एक कम्युनिटी के मेंबर बनते जाओगे जैसे आपका सेल्फ डेवलप होता जाएगा जो कम्युनिटी है दो इट प्लेज लार्जर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इज लिटिल क्लियर दैट ईच सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स अब है कि देखो जब आपका सेल्फ बन रहा है दैट मीनस आप सोसाइटी की उस इमेज में कहीं ना कहीं फिट हो रहे हो तो फिर आप एक पूर, पूरे कन्फर्मिस्ट बन जाओगे तो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ हुई फिर क्रिएटिविटी कहीं नहीं वो हुई वो खत्म गई तो इन्होंने कहा लेकिन ऐसा नहीं है कुछ इंडिविजुअलिटी भी होती है इसीलिए हर किसी का सेल्फ जो है वो डिफरेंट है अदरवाइज अगर आप पूरे कन्फर्मिस्ट हो सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो हर कोई बंदे का सेल्फ सेम होगा क्योंकि सोसाइटी तो सेम ही है एक से सोसाइटी में अगर दस इंडिविजुअल्स हैं वो दस के दस उनका सेल्फ सेम होगा फिर उनकी सोच समझ कर का, काम करने का तरीका सब सेम होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर सेल्फ जो है वो अलग होता है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी जो है वो बची हुई है लोगों में इस वजह से सेल्फ जो है सबका वो अलग होता है ईच पर्सन यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स ठीक है ये कॉन्सेप्ट जो है जिस जहां पे उसने ऐड किया था लिटिल इंडिविजुअलिटी की बात कि वो सब में बची हुई है ये ऐड करता है डायनेमिज्म टू मीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अदरवाइज ये एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फर्मिस्ट हो जाएगा और सारे जो होंगे उनका जो सेल्फ है वो सेम होगा और एक पॉइंट इन्हें ऐड किया था यहाँ पे फर्दर मोर पीपल नीड नॉट एक्सेप्ट कम्युनिटी एज इट इज वो रिफॉर्म भी कर सकते हैं चीजों को एंड मेक दम बेटर ठीक है इन अदर वर्ड्स टू स्टैंड अपू दी जनराइज अर द इंडिविजुअल मस्ट कंस्ट्रक्ट अ स्टिल लार्जर जनरलाइज अर कंपोज नॉट ओनली फ्रॉम द प्रजेंट बट ऑल्सो फ्रॉम द पास फ्यूर एंड देन रेस्पॉन्ड टू इट मतलब खुद अपना जो जनरलाइज अदर है काइंड kind ऑफ of, आप एक बड़ा बना सकते हो जिसमें सारी चीजें आपने एनालाइज की हूँ इवेलुएट की हूँ मॉडिफाई की हूँ एक ये चीज और अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना इन दो चीजों ने थोड़ा डायनामिजम भी दिया था मीट के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट मैंने आपको कहा था आई एंड मी हमें आगे पर पढ़ना है वो आई एंड मी हम यहाँ देखेंगे आई एंड मी पहले मैं रब कर देती हूँ ठीक है देखो आई एंड मी को अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहो बिल्कुल ले लैंग्वेज में आई होती है आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी जो आप खुद हो और मी होता है जो आप सोसाइटी के सामने रहना चाहते हो ठीक है मी होगा वो जो सोच समझ के रेस्पॉन्ड करेगा उसको पता नहीं कोई मुझे देख रहा है तो वो मेरे बारे में गलत न सोचे इंडिविजुअलिटी होता है आई डोंट केयर मैं ऐसा ही हूँ आप इंपल्सिवली रिएक्ट करोगे आपको कोई चीज गलत लगेगी विल कॉल इट आउट मी बोलेगा नहीं मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ मैं कॉल आउट नहीं कर सकता गलत बिहेवियर को ऐसे मुझे पहले दस लोग जमा करने हैं उनसे बात करनी है सलाह मशवरा करना है ठीक है जो ये सारी चीजें करेगा वो आपका मी वाला कॉम्पोनेंट है और ये आपका सेल्फ वाला कॉम्पोनेट ये आपका आई जो आपका है वो इंपल्सिव इंडिविजुअल क्रिएटिव वाला कॉम्पोनेंट है ठीक है तो मी ने एवोल्यूशनरी व्यू लिया सेल्फ का क्योंकि सेल्फ कहाँ से आता है पहले प्ले स्टेज से फिर गेम स्टेज पे उन्होंने दूसरे आस्पेक्ट भी आइडेंटिफाई किए सेल्फ के जिनका उन्होंने लेबल जिनको उन्होंने लेबल किया आई एंड मी तो जो आई एंड मी है वो बेसिकली आपके सेल्फ के ही पार्ट है ठीक है आई एंड मी आर ऑल्सो ये भी कोई थिंग्स नहीं है फाइन जो आई है वो आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अदर्स ये इनकेल्कुलेबल है अनप्रोडिक्टेबल है और क्रिएटिव आस्पेक्ट है मी जो मी है आपका वो थोड़ा बहुत सोसाइटी में वो कैसे आपको रहना है एक मच्यर पिक्चर काइंड ऑफ योर सेल्फ है वो उसको आप मी बोल सकते हो ये इनकैल्कुलेबल है अनप्रडिक्टेबल है लोगों को इन एडवांस नहीं पता होता है आय क्या एक्शन लेगा क्योंकि ये उस, उस जो कॉन्टेक्सट में है अपने एक्सपीरियंस उस पर डिपेंड करता है इसका क्या रिएक्शन या एक्शन होगा वी आर नेवर टोटली अवेयर ऑफ आई एंड थ्रू इट वी सरप्राइज आर सेल्स विद आर एक्शन ठीक है मी लेट ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ऑन आई फॉर फोर रीजन फर्स्ट जो आई है ये की सोर्स है नॉवेल्टी का इन सोशल प्रोसेस एंड गिवस डायनमिजम टू द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अदर विच अदरवाइज साउंडस कन्फर्मिस्ट टू सोसाइटी आप नहीं तो कॉन्फर्मिस्ट बन जाओगे इसलिए होना आपका जरूरी है अगर आपका सिर्फ मी ही होगा हर किसी को खुश करने के चक्कर में लग जाओगे सब खुश और आप दुखी वो चीज ना हो इसीलिए आई भी इंपॉर्टेंट है मी बिलीव दैट इट इज द आई दैट इट इज इन द आई दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज लोकेटेड क्योंकि होते है ना ऐसा बोला जाता है जो आपका पहला रिएक्शन है वही सही रिएक्शन है वही आपकी पर्सनैलिटी बताता है ये काफी साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो जो आपका इमीडिएट रिएक्शन होगा ना वो आपकी पर्सनलिटी होती है फिर जो आपको सोच समझ मी होता है ना उसमें कही ना कहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं थोड़ा मैनिपुलेशन जो है वो एड हो गया होता है थर्ड होता है आई कॉन्स्टिट्यूट समथिंग दैट वी ऑल सीक वट इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इट इज अ आई दैट परमिट्स अस टू डेवलप अ डेफिनेट पर्सनैलिटी ठीक है क्योंकि सबको वो चाहिए होता है आई का थोड़ा पार्ट मी ज्यादा जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे एक डेफिनेट पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी होना भी इंपॉर्टेंट है अपना अपना यूनिक कैरेक्टर होना भी इंपॉर्टेंट है फाइनली मीट देखते हैं मीट सीज एड एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द हिस्ट्री इन विच पीपल इन प्रमेटिव सोसाइटीज वो डोमिनेटेड मोर बाय मी लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में द कॉम्पोनेट ऑफ आई इज हायर मॉडर्न सोसाइटी में हम बोल सकते हैं ना ये आई डोंट केयर मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है लोग क्या सोच रहे हैं क्या बोलते हैं मैं ऐसा ही करूंगा मैं यही हूँ मॉडर्न सोसाइटी में आई आपका हाई है मी पुरानी सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी सोलडारिटी पे देना, तो उनका मी कॉम्पोनेंट थोड़ा ज्यादा हाई था जो आई है ये मीट की थियोरी को एक डायनामिजम देता है जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया विदाउट इट मीड्स एक्टर्स वुड बी टोटली डोमिनेटेड बाई द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कंट्रोल्स देखो यहां पर इन्होंने आई और मी का कॉन्सेप्ट ऐसे भी समझाया है और ये सारी जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा ये प्ले स्टेज है चाइल्ड इमिटेट करता है टेक्स अ रोल ऑफ डिस्क्रीट अदर्स और डेवलप करता है एक लिमिटेड सेल्फ मम्मा पापा को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे पहले पैदा हुआ है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है बर्थ हो गई अभी कोई सेल्फ नहीं है फिर प्ले स्टेज में आ गया फर्स्ट स्टेज आ गई मम्मा पापा को थोड़ा उनका रोल ले रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आए एक लिमिटेड सेल्फ जो है वो डेवलप हो रहा है फिर सेकेंड ये आ गया गेम स्टेज पे गेम स्टेज में अब इसके जो ये सारी चीजें हैं इसके जेनरलाइज अदर्स हैं ठीक है थीके? इसका पेयर ग्रुप है जहाँ इसके कलीग्स वगैरह है वहां से ये इंटरैक्शन इसकी हो रही है ठीक है अब ये वहां के एटीट्यूड जो है ले रहा है और खुद को उनके नजरिए से समझ रहा है और ये सारी चीजें पॉसिबल कौन करवा रही है सिग्निफिकेंट सिंबल्स जिसमें मेजरली क्या इंपॉर्टेंट है वोकल जेस्टर्स विच इज योर लैंग्वेज ठीक है यहाँ पे लिमिटेड सेल्फ हुआ इन सब गेम स्टेज में इसका क्या हो रहा है कंप्लीट सेल्फ uh, इसका डेवलप हो रहा है और उस सेल्फ के दो फेजेस हैं एक तो इसका आई कंपोनेंट है और दूसरा इसका मी कंपोनेंट है बस यही है समझने वाली बात जो आई एंड मी है उनके कंट्रास्टिंग नेचर से ये हमने पढ़ा पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो आई है वो इमिडिएट रेस्पॉन्स है ये इम्पल्सिव होता है ठीक और मी जो है इट इज द अडॉप्शन ऑफ द जनरलाइज अदर्स एंड इज आल्सो कॉल्ड सोशल सेल्फ सोसाइटी में रहके जैसे आप बिहेव करोगे उन सब चीजों को ध्यान में रख के वो आपका सोशल सेल्फ होगा लेकिन दोनों किसके डायमेंशन सेल्फ के मतलब एक इंसान में आई का कॉम्पोनेंट भी होता है और मी का कॉम्पोनेंट भी होता है अब अगर मी हाई होगा आप ज्यादा कन्फर्मिस्ट हो और आई ज्यादा हाई होगा आपका आप सॉर्ट ऑफ नॉन कन्फर्मिस्ट या वो रिबेल काइंड ऑफ एटीट्यूड रखने वाले होगे। ये इनकेल्कुलेबल अनप्रडिक्टेबल है ये कन्वेंशनल हैबिचुअल है वी आर नेवर टोटली अवेयर ऑफ आई कभी हम खुद को ही हैरान करते हैं ना कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आई आपके अंदर होता है लेकिन वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ मी क्योंकि मी में थोड़ी डिप्लोमेसी मैनिपुलेशन सारी चीजें होती है इनिशिएट करता है ये प्रमोट करता है स्टेटस को, ये स्टोर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी नॉवेल्टी है और स्टोर हाउस ऑफ कन्फॉर्मिटी है ठीक है क्लियर इनके कंट्रास्टिंग नेचर्स ये हमने बताया अभी डिफरेंसेस में एक्सप्लेन किया मी जो है अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू लिव कंफर्टेबली इन द सोशल वर्ल्ड वाइल आई मेक्स अ चेंजेस इन द सोसाइटी पॉसिबल क्योंकि आई क्या करेगा कॉल आउट करेगा अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं है सोसाइटी गेट्स इनफ कंफर्मेटिव वाया द मी टू अलाउ इट टू फंक्शन एंड इट गेट्स अ स्टडी इन्फ्यूजन ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स थ्रू द आई ठीक है आई सोसाइटी को स्टेगनेट नहीं होने देता है और मी सोसाइटी को फंक्शन करने देता है क्योंकि फंक्शन करने के लिए कन्फर्मिटी भी तो जरूरी है ना अगर आप हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट ही जाओगे सोसाइटी में आप वो रेबल ही बनते रहोगे हमेशा तो सोसाइटी तो क्रम्बल हो जाएगी तो फंक्शन ही नहीं कर पाएगी तो फंक्शन करने के लिए आपका मी भी जरूरी है जो कन्फर्म करे टू द वैल्यूज एंड बिहेवियर एंड बिलीव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी और आई कॉम्पोनेंट भी जरूरी है जो बीच बीच में कुछ चेंजेस लाता रहे ताकि आपकी जो सोसाइटी है वो क्या वो स्टेग्नेट ना हो ठीक है तो हम अचीव करते हैं सेल्फ अवेयरनेस वेन बी लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मी एंड आई अगर हमें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए पूरी तो हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए मी एंड आई का हमें पता होना चाहिए हमारा आई बिहेवियर है और कब इसको कैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए और ये हमारा मी बिहेवियर है कब हमें इसमें थोड़ी चेंजेस लाने की जरूरत है जी एच मीड ने हमें डिस्टिंग सोशल साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जब सोशियोलॉजी किससे डोमिनेट थी थी माइक्रोथियोरी से ही इंडिकेटेड दैट द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ह्यूमन बिहेवियर दैट इज नीदर इट इज नॉर्मेटिवली डिफाइंड वैल्यूज एज जैसे अर्लियर सोशियोलॉलिस्ट ने कहा था एंड ये प्योरली ड्रिवन बाई इंस्टिंग भी नहीं है जैसे सिगमेंट फ्रूड ने कहा था ये थिंकर आपके इस सिलेबस में नहीं है ठीक है राधा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो रिफ्लेक्टिव है रिएक्टिव है मॉडिफाइबल है इन इंटरेक्शनल सिचुएशन ठीक है आई होप ये लाइन अब आपको समझ में आ गई होगी अब इसका थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म आपके एटीट्यूड पे आपका बायोलॉजिकल जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है वो इन्होंने कहीं नहीं कहा रोपर्स के अकॉर्डिंग मीड ने मीड का एनालिसिस सोशल एक्टिविटीज एज ऑनी डिस्क्रीट एपिसोड्स विदाउट एनी हिस्टोरिकल कॉन्टीन्यूटी ठीक है वो बातें इन्होंने नहीं की पुराना बैकग्राउंड कैसे चलते आया फिर इंसान कैसे आगे डेवलप हो गया वो कौन सी एक्टिविटी करता है तो उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टीन्यूटी की बात नहीं की इंटरेक्शनिज्म इन जनरल फोकस अब ऑन द इंडिविजुअल इंटरेक्शन इन वैक्यूम वही आपकी हिस्टोरिकल कॉन्टेनिटी की बात नहीं हो रही है वैक्यूम में आप चीजें जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो पैट्रिक इन इन्हें सोशल थियोरी इन ट्वेंटी सेंचुरी में आर्ग्यू किया कि मीड सॉ सोशल लाइफ एज टू कंसेंशुअल की आप हर चीज से अग्री ही कर रहे हो ठीक है आप कहीं पे वो बात नहीं कर रहे हो कि जहाँ पे इन लोग किसी चीज को अग्री नहीं करेंगे और उन चीजों से उन चीजों के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे और रिवॉल्व करेंगे क्रिटिक्स ऑल्सो पॉइंट आउट दट मीनस एंड अदर सिंबॉलिक इंटरेक्शन फेल टू इलेबरेट ऑन दरिजन ऑफ मीनिंग्स मीनिंग का ऑरिजिन कहां से हुआ वो भी ज्यादा इलाबरेट नहीं किया है तो ये तीन चार डिफर क्रिटिक इनकी ये है क्रिटिसिज The of all the and it a किसके के लिए ट्रू फाउंडर था ऑफ ए सोशलॉजिकल ट्रेडिशन इमर्ज किया जिसने एज अ स्ट्रॉग पिलर ऑफ द डिसिप्लिन जॉन टिवी ने कहा था मीट वॉज सेमिनल माइंड ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑर्डर ठीक है अब देखो हर थिंकर जो है उसका आपको क्रिटिसिज्म तो मिल जाएगा बड़ा सारा क्रिटिसिज्म जो हर थिंकर की आइडियोलॉजी है उसने शेप किया आपकी सोशोलॉजी को अब आप आपको मैक्रो पर्सपेक्टिव भी पता है आपको जनरल पिक्चर भी पता है आपके पास मिडिल रेंज कॉन्सेप्ट भी है मिडिल रेंज थियोरीज भी है सोसाइटी को समझने के लिए आपके पास इंटरेक्शन की बातें भी है माइक्रो पर्सपेक्टिव है ठीक है आपके पास साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म भी है अगर वो सारे थिंकर्स को एक जगह रखो तो आपके लिए सोसाइटी को समझना काफी इजी हो जाएगा तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर फोर अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें चैप्टर फाइव डिस्कस होगा आपका मेजर जो पोर्शन है सोशोलॉजी का थिंकर्स रिलेटेड वो सारा कवर हो गया तो आई होप टाइम पे आप रिवाइज करें और चैनल को सपोर्ट करें बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे